भजन संहिता 138 उसके दूसरे पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व किसको दिया है? अपने वचन को। और यहाँ पर क्या सुनाया जा रहा है आपको? और अगर आप वचन को मजाक पे लेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे, तो ये कभी भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर के वचन को मजाक पे लेना परमेश्वर को मजाक में लेना है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर, और वचन देहधारी होकर यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया। जब हम वचन को सुनते हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह को सुन रहे हैं। जब हम वचन को मानते हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह की आज्ञा को मान रहे हैं। जब हम वचन से प्रेम करते हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। यूहन्ना 14:15 में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। आपके साथ वाले से बोलो, गंभीर हो जाओ। उसकी तरफ देखो, बोलो गंभीर हो जाओ। सीरियस हो जाओ। सेमिनार का बेस्ट पार्ट आ गया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बेस्ट परमेश्वर है या नहीं है? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह बेस्ट है? आधा करते तो एक हाथ उठाना, पूरा करते हो तो दोनों हाथ। बोलो मेरा यीशु बेस्ट है, मेरा पास्टर बेस्ट पास्टर है, मेरा डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर है, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हाँ या ना? मैंने पूछा हाँ या ना? आपका हाँ अच्छा बेस्ट होना चाहिए। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। किसका चरवाहा है? यीशु मसीह। बोलो यीशु मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। कोई घटी नहीं होगी। अपने दोनों हाथों को उठा, बोलो मेरा चरवाहा। आपको पता है चरवाहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्टर कहते हैं ना। पास्टर को हिंदी में चरवाहा कहते हैं, गोठाला, चरवाहा है ना, रखवाला। हमारा रखवाला बेस्ट रखवाला है। हमारी प्रोटेक्शन बेस्ट प्रोटेक्शन है। हमारा स्वामी, हमारा मास्टर बेस्ट मास्टर है। हमारा डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर है। हालेलुया। वो हर तरह का इलाज कर सकता है। वो आपकी आत्मा का भी इलाज कर सकता है, वो आपके प्राण का भी इलाज कर सकता है, और वो आपके शरीर का भी इलाज कर सकता है। आज आपके शरीर में चाहे कोई भी बंधन क्यों ना हो, आज वो यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहा है। आपकी सोच में कोई भी बंधन क्यों ना हो, आज वो टूटने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आसान। अपने हाथों को चाहो, बोलो मेरा डॉक्टर डॉक्टर जीसस। जोर से बोलो डॉक्टर जीसस। बंद करो, कुछ लोगों को परमेश्वर इस वक्त चंगाई दे रहा है। अपने हाथ तक उठाओ, आंखों को बंद करो, अपनी चंगाई को इसी वक्त रिसीव करो। राइट नाउ बोलो डॉक्टर जीसस, हील मी, माय बेस्ट डॉक्टर, हील मी। किसकी कमर में दर्द है, अपनी कमर को चेक करो, आपकी कमर का दर्द जा चुका है इस वक्त। जिसकी कमर में दर्द था, वो एक बहन थी और बहुत तेज कमर में दर्द हो रहा था, आपका दर्द जा रहा है इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। जिसकी कमर में दर्द है वो खड़ा हो, अभी खड़ा हो। जिसकी कमर में दर्द है खड़े हो जाइए, अपने हाथों को स्वर्ग करो, चाहिए आंखें बंद कीजिए। जिसकी कमर में दर्द है, मैंने कहा जिसके कमर में दर्द है, वही अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु मसीह तो मेरा बेस्ट डॉक्टर है। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू वैद्यों का वैद्य है। इसी वक्त मुझे छू ले प्रभु यीशु मसीह, मुझे छू ले, इसी वक्त मुझे छू ले। अरे बीमारी, अरे दर्द, यीशु मसीह के नाम से आउट हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं आजाद हूं। ताली बजाओ, धन्यवाद दो परमेश्वर को। बैठ जाइए। आपको पता है
अपने आप को चेक करो, आप आजाद हो चुके हो। देखो आपका दर्द जा चुका है। परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, सुनेंगे ध्यान से, आपको अच्छा लग रहा है, आपका दर्द चला गया, जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर। आप जब यहाँ थे आपकी कमर में दर्द हो रहा था, अभी आपको कैसा लग रहा है? अब नहीं है दर्द। हालेलुया, बोलो डॉक्टर जीसस, बेस्ट डॉक्टर। हाँ या ना? आपका हाँ बहुत छोटा है। बोलो हाँ, विश्वास करता हूँ मेरा यीशु बेस्ट डॉक्टर है। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर जूनियर होते हैं, बहुत सारे पास्टर सीनियर होते हैं, लेकिन सबसे सीनियर जो पास्टर है वो पास्टर जीसस है। सारे पास्टर उस पास्टर के अंडर में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वव्यापी कलीसिया है, जहां जहां पर कलीसियाएं चल रही है वहां वहां पर पास्टर हैं। उन कलीसियाओं के ऊपर एक वर्ल्ड वाइड जो चर्च है, जो पास्टर्स हैं, सबसे सीनियर, मोस्ट सीनियर पास्टर जो है वो पास्टर जीसस है। हालेलुया, हालेलुया। आपसे पूछे आपके पास्टर का नाम क्या है, आपको बोलना है पास्टर जीसस। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपसे पूछे किसने आपको चंगा किया, आपके डॉक्टर का क्या नाम है, आपको क्या बोलना है? डॉक्टर जीसस। मैं बोलता हूँ डॉक्टर, आप बोलो जीसस। डॉक्टर जीसस। जोर से बोलो डॉक्टर जीसस। बोलोगे ना मेरा डॉक्टर जीसस है, जीसस आपको हील करेंगे। कई बार आप डॉक्टर किसी और को माने हुए हो, उसको कैंसिल करो, जीसस को डॉक्टर बनाओ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बाकी सारे डॉक्टर कैंसिल, मेरा डॉक्टर जीसस है। हालेलुया, हालेलुया। बेस्ट डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट पास्टर है, बेस्ट पास्टर है, बेस्ट इंजीनियर है, बेस्ट इंजीनियर है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की मैं आपको छुटकारे के बारे में बता रहा हूँ, आप सीखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, दवाई आ रही है जी। हम सुनेंगे गवाही को, खड़े होकर गवाही दीजिए, थोड़ा बोलिए। अभी तो बहुत कुछ होने जा रहा है अगले एक घंटे में। मेरे पूरे बदन पूरा ये नीचा नहीं आ रही थी ना, चक्कर लग के गिर जाएगी, फिर अभी खड़ा वो कर दिया, वो सही है। किसने कर दिया? यीशु मसीह ने किया, करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिलनी चाहिए। हालेलुया, जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दीजिए। क्या ये आपकी बेस्ट तालियां हैं? नहीं नहीं है तो बेस्ट तालियां दीजिए। अगर सूखे पत्ते के ऊपर हमारा पैर पड़ेगा तो वो पत्ता क्या हो जाएगा मैथ्यू अंकल? चूर चूर हो जाएगा, चकना चूर हो जाएगा। वास्तव में ये कंडीशन है इस वक्त दुष्ट आत्माओं की। वो दुष्ट आत्मा है, वो सूखा पत्ता हमसे डरना चाहिए या हमें उस सूखे पत्ते से डरना चाहिए? वो सूखा पत्ता हमसे डरेगा ना कि भाई कहीं इनका गलती से पैर मेरे ऊपर ना पड़ जाए और मैं कहीं चूर चूर। वो पत्ता उड़ उड़ के भागेगा। सही बात है ना? ऐसी कंडीशन है क्योंकि यीशु मसीह ने उस शत्रु को, शैतान को क्रूस के ऊपर हरा दिया। वो शैतान हारा हुआ।
हालेलुया हालेलुया हाथ को उठाओ चिल्ला कर बोलो शैतान हारा हुआ है कम ऑन डिक्लेयर करो जोर से बोलो शैतान तू हारा हुआ है शैतान तू हारा हुआ है चार पांच बार बोलो ने तुझे हराया है बोलो मैं जीती हुई टीम में हूँ मेरा कप्तान यीशु मसीह है मेरी टीम का कैप्टन यीशु मसीह है मैं जीती हुई टीम में हूँ मैं विनिंग साइड में हूँ हालेलुया आपको बताऊँ आप एक ऐसा मैच खेल रहे हो जो पहले ही फिक्स हो चुका है आप एक ऐसे मैच में हो जो पहले ही फिक्स हो चुका है आप हार ही नहीं सकते हालेलुया 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 देखा यीशु मसीह ने अंधकार की शक्तियों का क्रूस के ऊपर खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया और शैतान को हमारे पैरों के नीचे कर दिया है यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर है हालेलुया हालेलुया लोगों ने दाऊद की और गोलियत की स्टोरी को सुना है उस स्टोरी में ऐसे होता है कि दाऊद जब गोलियत को गोफन से मारता है गोलियत गिरता है दाऊद उसी की तलवार निकालकर उसका सिर उसकी तलवार से काट देता है और उसके बाद जब उसके सिर को उठाता है और फिलिस्तीनी देखते हैं हमारा योद्धा जिसके बल पर हम ललकार रहे थे इसराइलियों को अब वो मारा जा चुका है तो फिलिस्तीनी उल्टी दौड़ अपनी जान बचाने के लिए ये कंडीशन है इस वक्त दुष्ट आत्मा वो बड़ा वाला जो था ना उसको यीशु मसीह ने उसके सिर को काट और जो ये छोटे मोटे हैं क्रोध की दुष्ट आत्मा बांझपन की दुष्ट आत्मा परिचित दुष्ट आत्मा अभी इनको भगा भगा के मारना है हमारा कैप्टन मेन काम कर चुका है थोड़ा सा हमें दिया है क्या हम वो नहीं कर सकते कर सकते हैं या नहीं मैंने पूछा हाँ या ना आप कर सकते हो हाँ या ना जोर से हाथ को उठाओ जोर से हालेलुया कि वो इस सेशन में सब कुछ बदल गया लग रहा है पास्टर जी कह रहे हैं यस मैं आपको बताऊं वो जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं सब कुछ मतलब हम दुष्टात्माओं को निकाल सकते हैं हम बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे होंगे हालेलुया हालेलुया आपको मैंने एक हिट लिस्ट दी है ये है वो फिलिस्तीनी जिन्हें हमें मारना है आज ये है उन फिलिस्तीनियों की लिस्ट अच्छा सबसे बड़ा जो था अभी ध्यान से सुनना मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखिए अगर कोई भी चीज है कोई भी पाप है कोई सिन है क्रोध है ईर्ष्या है बैर है झगड़ा है विरोध है विधर्म है फूट है मतवालापन है शरीर के काम है झूठ बोलना है गाली देना है व्यभिचार है कोई भी पाप है वो सारे पाप हमें किस तरफ ले जा रहे थे मृत्यु की ओर ले जा रहे क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है लेकिन उस मृत्यु को उसके डंक को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कुचल दिया आपको पता है मधुमक्खी जो होती है ना वो एक ही बार डंक मार सकती है मधुमक्खी अगर एक को डंक मार दिया डंक छोड़ के चली गई अब उसके पास डंक वो जो मृत्यु का डंक था उस डंक को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कुचल दिया और लिखा है मृत्यु तेरा डंक कहां रहा मृत्यु तेरा डंक कहां रहा
बोलो हाथों को उठाओ मृत्यु मृत्यु ऐसे उठाओ हाथों को बोलो मृत्यु मृत्यु मेरा डंक कहाँ रहा मधुमक्खी ऐसी मधुमक्खी है जिसके पास डंकी नहीं है। हालेलुया। वो बादल है जो गरज तो सकता है लेकिन बरस नहीं सकता। वो कुत्ता है जो भौंक से सकता है लेकिन काट नहीं सकता। वो सांप है जो डरा तो सकता है लेकिन दस नहीं सकता। जोर से ताली बजाओ। हम राजपदधारी याजकों का समाज है। हम विश्वास करने वाले लोग हैं। हम सामर्थी लोग हैं। हालेलुया। आपके साथ वाले को देखो और बोलो आप पावरफुल हो। आप पावरफुल हो। उसको ऐसे बोलो आप नेचुरल नहीं हो। आप नेचुरल नहीं हो। आप सुपर नेचुरल हो। आप सुपर नेचुरल। बोलो उसको अच्छे से बोलो आप नेचुरल नहीं हो। आप नेचुरल नहीं हो। आप सुपर नेचुरल हो। आप सुपर नेचुरल हो। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग कोई मामूली लोग नहीं है। हम लोग कोई ऐरे गहरे नथु खेरे नहीं है। बहने कोई ऐरी गहरी नथु खेरी नहीं है। हम लोग राजपदधारी हैं, याजकों का समाज है। अगर पति पत्नी को कहता है तू कुछ नहीं कर सकती, तू बेकार है, तू कूड़ा है, पत्नी को जवाब देना है मैं विश्वास नहीं करती इस बात पे। मैं विश्वास करती हूँ उस वचन पे जो मेरा यीशु मसीह मुझे अपने वचन में कहता है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं एक राजकुमारी हूँ। हालेलुया। वो कहता है कि मैं चुनी हुई हूँ। हालेलुया। कहता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। कोई आपसे पूछे आपकी कॉस्ट क्या है, आपकी कीमत क्या है, आपको मैं बताऊं आपकी कीमत क्या है। जब कोई चीज खरीदते हैं, मुझे अगर ये बिस्लेरी की बोतल खरीदनी है, मुझे दुकान पे जाके इसकी कीमत लगभग 20 रुपए है। मैंने 20 रुपए दुकानदार को दिए और उस 20 रुपए के बदले मुझे ये पानी की बोतल मिल गई। हाँ या ना? हाँ। बहुत छोटा हाँ यार। हाँ। हाँ या ना? हाँ। मुझे मैंने 20 रुपए दिए, मुझे 20 रुपए की बोतल मिल गई। ऐसे ही अंधकार के राज्य से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू दिया और हमको छुड़ा लिया। अब हमारी कीमत इतनी है जितनी यीशु मसीह के लहू की कीमत। अभी बताओ किसकी कीमत कम है तुमने से? कोई यहाँ पे गरीब है क्या? कोई यहाँ पे सस्ता है क्या? हाँ, आप लोग बहुत कीमती हो। बताएं आपको, आप बहुत प्रीशियस हो परमेश्वर के लिए। आप बहुत बहुमूल्य हो। यीशु मसीह ने आपको जो खरीदा है वो अपने लहू का दाम देकर खरीदा है। वचन बताता है, पत्रस की पत्री में लिखा है, हमारा छुटकारा सोने चांदी या किसी बहुमूल्य वस्तु से नहीं हुआ, निष्पाप निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा। जोर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। जोर से बोला यीशु मसीह के लहू की। छुटकारा देने वाले यीशु मसीह के लहू की। आपकी कीमत किससे दी गई है? यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने सेवकों को क्या बनाता है? धतिया। दोस्त से बोलिए क्या बनाता है? धतिया। अपने सेवकों को वो धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया। 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 प्रभु के वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो ऐसी आग है जो झाड़ियों में जलती तो दिखाई देगी लेकिन झाड़ी को जलाएगी नहीं। वो आग जो आपके अंदर है परमेश्वर की, वो ऐसी भस्म करने वाली आग है कि हर एक नकारात्मक
खतरनाक चीज को तो वो जलाकर खत्म कर देगी, लेकिन आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो पवित्र आग है और वो अपवित्र चीजों को जलाकर खत्म करेगी। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग की नदी मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा की पवित्र आग की नदी मेरे अंदर है। आंखें बंद करके विश्वास से बोलो, आंखें बंद करो, हाथ ऊंचे उठाओ। ऊंचा मतलब आप समझते हैं ऊंचा कैसे हाथ उठाते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने सिरों को ऊपर की तरफ उठाएं, स्वर्ग की तरफ, झुका कर नहीं। परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं बनाया, सिर बनाया। आपको जो कुछ भी मिलेगा वो स्वर्ग से मिलेगा। मनुष्य पर अपनी नजर मत रखिए, पास्टर पर अपनी नजर मत रखिए, अपनी नजर केवल स्वर्ग की ओर रखिए, अपनी नजर केवल परमेश्वर की ओर रखिए, अपनी नजर केवल यीशु मसीह की ओर रखिए। अपने हाथों को ऊंचा उठाइए और बोलिए, आज मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा की आग मेरे अंदर बहे, मेरे शरीर में बहे, मेरे मन में बहे, मेरी सोचों में बहे, मेरे विचारों में बहे। पवित्र आग, पवित्र आत्मा की आग मेरी आत्मा में बहे, पवित्र आत्मा की नदी मेरे अंदर बहे। यीशु मसीह के नाम से मैं एक ऐसा सेवक बनूं, ऐसा विश्वासी बनू, वो धधकती हुई आग मैं उगलना चाहता हूँ, वो धधकती हुई आग मुझे आजाद करे हर एक शरीर के बंधन से, हर एक मन के बंधन से, हर एक आत्मा के बंधन से। मैं आजाद होने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम मास प्रेयर में जा रहे हैं।